उधर आगरा की घनी बस्ती में भीषण आग की खबर है। आगरा के मंटोला में केमिकल के गोदाम में भीषण आग। आग को काबू करने में फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है। आग लगने से घरों से बाहर लोग निकले, धुएं का गुबार देखा जा सकता है। आगरा के घनी बस्ती में मौजूद है ये गोदाम, जहां से आग की तस्वीरें आई हैं। आसपास बस्तियां हैं, लेकिन इसी बीच ये गोदाम है, केमिकल का गोदाम है। आग लगने के बाद का मंजर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। आप तार देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक वायर देख रहे हैं, और इसी बस्ती में केमिकल का ये गोदाम बनाया गया है। काले धुएं से लोग डर गए, आग की लपटों को देख करके लोग डर गए, घरों से बाहर निकल गए, क्योंकि लगती हुई जो बस्तियां थी, आसपास मकान भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में केमिकल के गोदाम में लगी आग ने मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। फायर ब्रिगेड की टीम लगी हुई आग को बुझाने में। खबर कानपुर से है। बांस मंडी इलाके में अग्निकांड का मामला है और बगल के अर्जुन कॉम्प्लेक्स में भी आग भड़की है। तेज धुआं निकलते देख दमकल कर्मी सतर्क हो गए। स्थिति पर नियंत्रण की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी भी स्थिति पर काबू नहीं पाया गया है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपके सामने है एबीपी गंगा की स्क्रीन पर। अर्जुन कॉम्प्लेक्स में भी आग भड़क गई। पहले एक जगह से धुआं उठता देखा गया, आग बढ़ती चली गई। हालांकि फायर फाइटर्स मौके पर मौजूद हैं, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है, लेकिन अर्जुन कॉम्प्लेक्स में भड़की ये आग बढ़ती जा रही है। और आग की खबर है, आईआईटी कानपुर की टीम बांस मंडी पहुंची है और बदहाल हो चुकी इमारतों का टीम निरीक्षण कर रही है। आईआईटी के निरीक्षण के बाद यह तय होगा इमारतों का भविष्य क्या हो। इमारतों की हालत के बाद इन्हें गिराने का फैसला लिया जा सकता है। तेज धुआं निकलते देख दमकल कर्मी सतर्क हुए। स्थिति को नियंत्रण पर काबू पाने की कोशिश तो जारी है, लेकिन आईआईटी की टीम पहुंची है ये देखने के लिए कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या है, और यहां से हो सकता है कि ऐसी बिल्डिंग्स को गिराने का फैसला लिया जा सकता है। कांड में अपने बचे खुचे माल को यहां से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीपक राजपाल है और यहां हम न्यू बॉम्बे फैशन और न्यू बॉम्बे कलेक्शन के नाम से दुकान चलाते थे। और में थी आपकी? हैं जी, नफीस टावर में। क्या बचा हुआ है ये माल? जो भी कपड़े हैं, लेडीज सूट के कपड़े हैं, जो इसका माल अब पानी में आग से धुएं से जो खराब हुआ, बचा कुचा के हम घर ले जा रहे हैं। कितना माल था आपका? करीब करीब अब माल के हिसाब से हम लोग जोड़ेंगे तो 2-4 करोड़ का माल होता ही है। 3 दुकानें थी अपने यहाँ पे, और जो है माल बचा कुचा बटोर के ले जाया जा रहा है। बॉम्बे कलेक्शन के मालिक हैं पीतमदास राजपाल। मकसूद कामले से मेरी 7 दुकानें पूरी जीरो हो गई हैं, जिसमें का ही माल था 2 करोड़ का करीब माल है, सब सत्यानाश हो गए, 7 दुकानें डैमेज हो गई हैं। जो दीपक कुमार हैं कल से लगे हुए हैं यहाँ पर, CFO दीपक कुमार साहब, उनसे बात। दीपक जी, क्या स्थिति है? ठीक है, स्थिति तो नॉर्मल है। अभी फ्रंट साइड में आप देख रहे हैं कोई दिक्कत किसी तरह की तो है नहीं, लेकिन हम लोग सभी लोग नीचे के फ्लोर से ऊपर तक उसको सर्च करते हुए पूरा बुझाते हुए जो भी शटर तोड़ के वो कार्यवाही कर रहे हैं। तो बिल्डिंग में शुरू हो चुकी है, और बाकी पीछे की में पानी डाल रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी का थोड़ा सा इशू है, बट उसको जो भी अगर फ्लेम है तो उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। कोई ज़्यादा नहीं है मैटर, बहुत माइनर है। ऐसा जगह पे आग भड़क गई थी फिर से? भड़कने का मैटर तो ये था कि आंधी थी, उस वजह से दिक्कत थोड़ी सी आई है। आंधी थी रात में, तो हवा जब मिलेगी अनबर्न पार्टिकल्स को तो वहाँ पे फ्लेम आएगी, तो बाकी ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत हो, परेशानी हो, या इस तरीके से धुआं उठ रहा हो, या रह रहकर आग लगती जा रही हो, तो उसे कंट्रोल किया जा सके। ये दमकल कर्मी पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ लगे हुए हैं कि आग और आग के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई है उससे पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और वही कानपुर में कल से ऑयल फैक्ट्री में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। कानपुर कॉम्प्लेक्स में लगी आग पर भी काबू नहीं पाया गया है। 30 घंटे बीत जाने के बाद भी आग भड़क रही है, बड़ी खबर है ये। हमराज कॉम्प्लेक्स में धुआं नहीं कम हो पा रहा है। उधर ऑयल फैक्ट्री में भी सुलगी आग की लपटें अभी तक नहीं कम हुई हैं। आसपास के लोगों के मूवमेंट को जरूर कम करा दिया गया है। मौके पर SDRF NDRF की टीम को बुलाया गया है, लेकिन 30 घंटे में भी आग पर काबू ना पाया जाना ये बहुत बड़े चिंता का सबब है फायर फाइटर्स के लिए, पूरे अग्निशमन विभाग के लिए, कि आखिरकार दो दो जगह भड़की आग पर अभी तक काबू क्यों नहीं पाया गया। क्या वो सिस्टम है कि केमिकल और ऑयल में आग लगने के बाद तुरंत आग को बुझाने वाली प्रक्रिया 30 घंटे का वक्त ले रही है और अभी भी आग लगी हुई है, कहा नहीं जा सकता कि इस पर काबू कब पाया जाएगा।
आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सफर महंगा हो गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रात 12 बजे से टोल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहन से लेकर हैवी वाहन का टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है। पहले की तुलना में ज्यादा टोल देकर के वाहन सफर कर सकेंगे। हल्के वाहनों के लिए 5 रुपए ज्यादा तो वहीं भारी वाहनों को 15 रुपए ज्यादा चुकाना होगा। बढ़ोतरी हुई है, बाइक का 325 रुपये था वो बढ़ा के 330 रुपये कर दिया गया, जिसमें 5 रुपये बढ़े हैं। कार 650 रुपये था जो बढ़ा के 655 रुपये कर दिया, इसमें 5 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। बस एंड ट्रक 2060 का था जो बढ़ा के 2075 कर दिया गया है, इसमें 15 रुपये बढ़ोतरी हुई है। ये जब गाड़ी वाले के लिए तो बहुत महंगा पड़ रहा है, किस्तें भारी हो गई है, मतलब अकेला आदमी गाड़ी नहीं ले पा रहा है। रोड में इतना खर्चा बढ़ गया कि हर जगह पे पूरा खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।